हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि जो ये चेन लिंक की फेंसिंग होती है वो किस तरह से लगाई जानी चाहिए। ये देखिए, हमने अपनी जो बाड़ की है वो चेन लिंक फेंसिंग से की है, और इसके अंदर इसका एक पूरा बंडल आता है और उसको इस तरह से इनके एंगल्स के ऊपर वेल्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किफ़ायती तौर पे किस तरीके से इस चेन लिंक को वेल्ड किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो एंगल हमें लगानी है उसके लिए ये इस तरह से खड्डे तैयार कर दिए गए हैं, और इन खड्डों में अब मसाला भरा जाएगा सीमेंट का, और उसके साथ साथ इन एंगल्स को लगा दिया जाएगा। ये देखिए, ये मैं तैयार दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से ये एंगल ज़मीन में लगाया गया है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये एंगल के बीच की दूरी जो है वो हमने 10 फुट की रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 8 फुट की, 9 फुट की। और ये ध्यान रखना है कि एंगल्स की जो ज़मीन से ऊपर की ऊंचाई है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब इसके ऊपर जाल लगेगा तो वो फिर एक इक्वल साइज़ पे ही लगा पाएंगे, ऊंचा नीचा नहीं कर सकते उसको। इसलिए इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि ऊपर से ये एंगल्स बिल्कुल सेम ऊंचाई पर हों। ये देखिए, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये वेल्डिंग का काम शुरू हो गया है। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो चेन लिंक होती है ये एक बंडल में मिलती है, तो इस बंडल को पूरे को खोल लिया गया है, और ये जो हमने पहला एंगल लगाया था वहीं से इसको स्टार्ट किया गया है। इस चेन लिंक को लगाने में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात याद रखने के लिए है वो ये है कि इसको बड़ी ही खींच के लगाया जाता है, बड़ी ही मजबूती से लगाना चाहिए, नहीं तो इसमें लचक आ जाएगी और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इधर से भी पकड़ रखा है और उधर से आप देख सकेंगे कि दो बंदों ने इसको दूर तक पकड़ रखा है और बिल्कुल खींच के रखा हुआ है। और ये भैया इस पर अब टाके लगा रहे हैं, अभी एक कच्चा टाका लगा रहे हैं। जब ये पूरी चेन लिंक सेट हो जाएगी तो उसके बाद इस पर पक्का टाका लगाया जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसको खींच कर लगाना है, तो ये देखिए आप कि इसको खींचने के लिए अभी सरिये का उपयोग किया गया है। ये सरिया लेकर इन्होंने इसको बड़ी ही मजबूती से खींचा है, ये देखो, और उसके बाद यहाँ से वेल्डिंग की जाएगी। अब फ्रेंड्स ये पक्का टाका लगा रहे हैं यहाँ पर, और उधर से दो बंदों ने बड़ी ही मजबूती से इसे पकड़ रखा है कि किसी भी तरह की इसमें कोई कमी ना रहे, बड़ी ही मजबूती से इसे लगाया गया है। अब ये दूसरे पिलर पर आ गए हैं जो एंगल हमने लगाया था, अब दूसरे एंगल पे, और फिर उसी तरह से तीसरे एंगल पे, इसी तरह से ये चेन लिंक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।